आगे लगता है। प्रकृति विज्ञान ये मानता है, अब ये समझिएगा, the germs and that seed spores, that is microzymon, ये आपसे 125 साल पहले की गई रिसर्च है, जिसको कभी भी उभारा नहीं गया, इसको दबा के रखा गया। आप लिंडहर यानी गांधी जी जिनको मानते थे और जिनको मानते हुए जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, उस लिंडहर की बुक में इसका प्रमाण मिलता है कि ये तभी मरती हुई है, ये जर्म्स और उसको पैदा करने वाले जो सीड्स होते हैं उसके भी एग्स होते हैं, एग्स मान लो, एग्स नहीं बोल सकते पर उसको जन्मदाता कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उसी में से सेल्स भी बनते हैं और उसी में से ये जर्म्स भी बनते हैं। मैं आता हूं इस बात पे और इसी बात पर हम आज का लेक्चर पूरा करेंगे। वो तभी पैदा होते हैं जब वातावरण में गंदगी होती है, आपने पाव खा खा के, जंक फूड खा खा के आंत को भर दिया तो कुदरत उसे कैसे निकालेगी? वहां जो माइक्रोजाइमा है जिसमें से आंत के नए सेल्स बनते हैं उसमें से फिर कीड़े पैदा होंगे, पकड़ने का बात हुआ, सिर्फ इट्स अ प्रूवन फैक्ट, वही सीड स्पोर है जिसमें से नए सेल्स बनते थे, वही माइक्रोजाइमा उसमें से अब कीड़े बनते हैं, इसका मैं प्रमाण देता हूं। बहुत लंबी रिसर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर में कीड़े पड़ते हैं, मेरे शरीर में कीड़े पड़ते हैं, नहीं पड़ते ना, एक लाश को रख दो 8 घंटे में, कहां से आते कीड़े, कितने कीड़े आते हैं 24 घंटे में, तो वो लाश को खा जाते हैं, 72 घंटे में तो लाश में से कीड़े उभर के नहीं आते। कैंसर पेशेंट्स जहां पे उनको गांठ होती है एक हद के बाद, मैं 17 साल से कैंसर पेशेंट्स ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, एक हद के बाद उसमें से कीड़े निकलते हैं, कहां से आते हैं, बाहर से, शरीर में से कहां से पैदा हुए, सोचो पकड़ो, वही माइक्रोजाइमा, वही सीड जिसमें से पहले सेल बनता था उसको इतना टॉक्सिक दिखा कि उसने फिर कीड़ा पैदा किया, वो कीड़ा क्या करेगा, उस जहर को खा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर जहर नहीं बचा, एक दूसरे को खा जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा, तो वो अपने आप को खाते खाते नष्ट कर देगा, यानी दे आर द स्कैवेंजर्स, आप समझ रहे हैं, ऑफ नेचर, क्लीनिंग एजेंट है वो, हमें मारने वाले तंत्र नहीं है, वो बाहरी और अंदरूनी सिस्टम को साफ करने वाले खरेखर सफाई करनी है, हम उनको सफाई नहीं करने देते, क्यों करने देते, वो हमें ही खा जाते हैं, हमें अपनी गंदी आदतें बरकरार रखनी है, हम तो पाव खाएंगे, हम भूख नहीं है फिर भी ठूस ठूस के खा लेंगे, पास भी नहीं करेंगे, ये सब तो हमने नियम लिया हुआ है भाई, नियम धर्म थोड़ी भ्रष्ट कर सकते हैं, बीमार हो जाएंगे, कीड़े खा लेंगे, उसका इंजेक्शन से मार देंगे, इस शरीर को जहर से भर देंगे, अपनी आदतों को बरकरार रखेंगे। आप सोचो, देखो मेरा लॉजिक गलत नहीं है, आप एक लाश को छोड़ दो, मेरी बात समझता ध्यान से, एक लाश को आपने छोड़ दिया, उसमें से कीड़े निकले, कहां से आए मैं नहीं पता, उन्होंने लाश को खा लिया और फिर वो कहां चले जाते, कहीं रेंगते हुए तो नजर नहीं आते, उनके दर नहीं बनते, वो फिर अपने आप को खा जाते हैं और वहीं से डिसॉल्व हो जाते हैं जहां से आए थे। यही है, they are not attackers but scavengers, this bacteria parasite feed on waste and toxin, digest them to decompose the pathogenic material in an animal or human body। आप अगर pathogenic material अपने अंदर पैदा नहीं होने देते तो ये कीड़े आप में जन्मेंगे ही नहीं। Every disease is a lifestyle disease. Every disease, diabetes. मेरे माँ बाप को पता मुझे हो गया ना भाई, शुगर शुगर मैं खाता हूं, ठीक है, 1% डायबिटीज माँ बाप से आ सकता है, 99% तो मैं ही पैदा करता हूँ। ब्लड प्रेशर, मेरे पापा हार्ट अटैक से मर गए, हमारे तो वंश में ही है, टेंशन लेना वंश में है क्या, ना ना, पूरी रात रात पर नौकरी करते हो भाई कॉल सेंटर में बड़े प्रेम से, और बड़ी आंख में क्लोन का कैंसर आ गया, स्लीप साइकिल को कभी समझे ही नहीं हो, कुदरत के विरुद्ध जीवन जीते हो और फिर कुदरत को गाली देते हो, कुदरत बख्श देगी। नेक्स्ट,